The girls with their nails done now. 2023 के बीचों बीच ऐसे कई स्पेनिश एडल्ट वेब सीरीज रिलीज हो चुके हैं जिसके अंदर आपको सेक्सुअलिटी के साथ साथ आपको बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलता है जो कि आपको आखिर तक बांध कर रखती है। सभी का स्वागत है स्क्रीन रिजर्व पर। आज की इस काउंटर में हम कंटिन्यू करेंगे टॉप 5 स्पेनिश एडल्ट वेब सीरीज पार्ट 5, जिसे आप देख सकते हैं एज यूजुअल नेटफ्लिक्स पे। नंबर 5 पे एक ऐसी कहानी के बारे में जहां हमें दिखने को मिलता है एडा के बारे में, जो एक फैशन कंपनी चलाती है जो कि काफी सक्सेसफुल होता है। लेकिन एडा की जिंदगी बदल जाती है जब वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है तेओ, जो उसे पता चलता है बाद में जाके जो उसका इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी को खत्म करना चाहता है और एडा को भी। लेकिन तेओ एडा से बदला क्यों लेना चाहता है, उसके पीछे क्या पास्ट हिस्ट्री है, जान सकते हैं इस पूरे सीरीज के अंदर, जिसके आपको 10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5 out of 10। नंबर 4 के सीरीज की कहानी में दिखा जाता है सर्जियो के बारे में, जिसके ऊपर यह आरोप था कि उसने अपने माता पिता को अपने घर के बिल्डिंग से धक्का देकर मार डाला था। और ये सब कुछ हुआ था एक लड़की के सामने, जिसके गवाही पर सर्जियो को 6 साल की सजा हो जाती है। लेकिन 6 सालों के अंदर उसने अपना मुंह नहीं खोला था, जिसके बाद सर्जियो को हाउस अरेस्ट में रखा जाता है और उसके ऊपर 24 घंटा एक साइकेट्रिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन के दौरान पता चलता है एक लड़की के बारे में जो सर्जियो के बारे में बहुत कुछ जानते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ सर्जियो का कुछ प्लान था। लेकिन सर्जियो सब कुछ क्यों किया था और उसने अपने माता पिता को क्यों मारा था, जान सकते हैं इस साइकोलॉजिकल सीरीज के अंदर, जिसका नाम है म्यूटेड, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी। इस सीरीज के 6 एपिसोड है, जिसे आप देख सकते हैं बेहतरीन हिंदी डबिंग के साथ, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.6। नंबर 3 पे एक एरोटिक थ्रिलर सीरीज जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी, जहाँ कहानी देखने को मिलता है 3 अमीर दोस्तों के बारे में जो अपने कुछ कम्युनिटी के लोगों के साथ वो एक पार्टी कर रहे थे। लेकिन उसी पार्टी के अंदर पानी में डूबकर उनकी मौत हो जाती है। जब ये खबर उनकी पत्नियों को पता चलता है तो उनके लिए शॉकिंग था। लेकिन सीरीज की कहानी आगे बढ़ते हुए हमें ये समझ में आता है कि उनके ऐसे कुछ सीक्रेट्स थे जो उनकी पत्नियों को पता था। क्या उनकी पत्नियों ने अपने पतियों को मार डाला, अगर है तो क्यों है और इसके पीछे क्या कहानी है, जानिए इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको एरोटिक सीन्स के साथ ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा जो कि आपको अंत तक बांध कर रखेगी। ये सीरीज है द थर्सडेज वाइव्स, जिसके सिर्फ 6 एपिसोड्स अवेलेबल है, जो कि आप हिंदी डब के साथ देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.5। सोचा था वो मुझे वो सब देगा जो तुम नहीं दे पाए। मुझे सेकंड चॉइस नहीं बनना। नंबर 2 पे एक एरोटिक थ्रिलर सीरीज जिसकी कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जो कि 2017 में घटित हुई थी, जहां कहानी देखने को मिलता है रोजा पेरल के बारे में, जिसके ऊपर यह आरोप था कि उसने अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेने के लिए अपने लिव इन बॉयफ्रेंड जिसका नाम है पेड्रो, अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसे मार कर जला दिया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कई साल चले थे, लेकिन किस तरह से सारे प्लॉट्स को कनेक्ट किया गया था और क्या अंत तक पुलिस यह साबित कर पाती है, देखिए इस बेहतरीन सीरीज के अंदर। यह सीरीज है द बर्निंग बॉडी, जो कि 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, और इस सीरीज के अंदर गजब के एरोटिक सीन्स के साथ कहानी में अंत तक बांध कर रखने पे मजबूर हो जाती है और ऐसे अलग अलग सीक्रेट सामने आते हैं जो कि चौंका देने वाले हैं। इसके साथ ही इस सीरीज में मनी हाइस्ट के टोक्यो देखने को मिलता है, जो कि रोजा पेरल के कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, जिसके लिए इस सीरीज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस सीरीज का 8 एपिसोड है, जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.7। फाइनली आज की इस काउंटर के नंबर 1 पे एक टीनेज रोमांटिक सीरीज, जहाँ कहानी के ओपनिंग से में दिखाया जाता है 1970s के दौरान, जहाँ ऑल मेल स्कूल के अंदर पहली बार एक लड़की एडमिशन लेती है जिसका नाम है एवा। एवा इतनी खूबसूरत थी जिसके पीछे सभी स्कूल के लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे और अपना सब कुछ तुड़वा रहे थे। लेकिन एवा इस स्कूल में एडमिशन लेने के पीछे कुछ उसका कारण था, जो कि अलग अलग सोसाइटी के स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने में कामयाब होती है। लेकिन अंत तक एवा सबका दिल तुड़वाते हुए किसके पास जाती है और वो लड़का कौन होता है, देख सकते हैं छुटपुट ऐसे रोमांटिक स्टोरीज और नॉस्टैल्जिक यादों के साथ इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज है एवा लास्टिंग, जो कि इसी साल फरवरी में रिलीज हुई थी, जिसके सिर्फ 8 एपिसोड्स अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, और सीरीज का IMDb रेटिंग है 8 out of 10। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।